ताला लगा हुआ है। चार में से तीन चारों दवा अवेलेबल है तो पेशेंट को एक ही दवा किया गया। 168 है ना जी, हम लोग भी रखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है डॉक्टर। 243 एक दवा मिला, क्यों बाकी दवा लिस्ट में नहीं है क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देर रात एक बार फिर अस्पतालों में पहुंचे हैं छापेमारी करने के लिए, औचक निरीक्षण करने। तेजस्वी यादव जब पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जब वहां के मौजूदा जो पेशेंट थे जो वहाँ इलाज कराने के लिए पहुँचे थे, उनके अभिभावक थे, अटेंडेंट थे, उन सभी ने जब बताया कि दवाइयाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो हैं वो बगहा से निकल के आ रही हैं। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण करने देर रात जब तेजस्वी यादव पहुंचे, उनके साथ आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार मौजूद थे, कई आरजेडी के नेता मौजूद थे, मंत्री ललित यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें इन दिनों तेजस्वी यादव बगहा दौरे पर थे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का भी उन्होंने भ्रमण किया था, क्योंकि सूबे के पर्यटन मंत्री भी वही हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अनुमंडलीय अस्पताल बगहा का जब औचक निरीक्षण किया, वहाँ मरीजों से उन्होंने मुलाकात की, तो वहाँ जो सेवाएं मिल रही हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें कहीं कहीं कमियां भी पाई गई हैं। कैसे झाड़ लगाई है तेजस्वी यादव ने, डाटा भी है, अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया है, जितने लोग वहाँ पहुँचने चाहिए जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे वो नर्सेज हों या अन्य जितने मेडिकल स्टाफ हों, वो पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं, रात को डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं, इसके अलावा जो दवाइयाँ दी जानी है सरकार की ओर से निःशुल्क तौर पर, क्या वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जहाँ कमी मिली है वहीं झाड़ लगाई है। पूरा वीडियो को देखिए तेजस्वी यादव कैसे इस पूरे वीडियो में आपको एक अलग ही अवतार में दिखेंगे। ताला लगा हुआ है। आप जाते पीछे हो। सर अभी मान लीजिए कोई मरीज की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी वाला दवा अंदर है, इमरजेंसी में जो भी अंदर टेस्ट किया है, कौन से मेडिसिन अच्छा, दवाई दुकान बंद था, दवाई दुकान नहीं है, स्टोर है। लिस्ट क्या, सारी दवा ये सारी दवा इस लिस्ट में है, अवेलेबिलिटी का नहीं, लिस्ट में है कि नहीं? ये वाला है, ये भी है सर, ये भी, ये भी तीन दो नंबर तीन नंबर है सर, ये भी है ना, तो एक ही दवा क्यों मिलना जब इस ये लिस्ट में आपके पास अवेलेबल है ना? ये दवा चार में से तीन चारों दवा अवेलेबल है तो पेशेंट को एक ही दवा मिला है, दवा दिया गया पेशेंट को, ये चार दवा है ना, इंजेक्टेबल मशीन है ना सर, चार नहीं तीन दवा है, एक सीटी स्कैन के लिए। तो जो इंजेक्टेबल दवा है सर, उसको सिस्टर इंजेक्टेबल इंजेक्ट कर देती है, मतलब अच्छा वो देने की जरूरत नहीं है, टेबलेट है, टेबलेट उनके हाथ में मिला है। और एक और तीसरा सीटी स्कैन एडवाइस किया गया, तीसरा वाला इंजेक्टेबल वाला हम तो जिप्टो में लिस्ट में नहीं है सर, ये सर दवा नहीं है सर, ये लिस्ट में नहीं है, नहीं है सर, जिप्टो में नहीं है, जिप्टो में दूसरा दवा होगा ना उस कंपोजिशन में, सर वो एंटी डिप्रेशन में नहीं है सर, टोटल आपके पास कंपोजिशन में दूसरा दवा होगा, मार्केट में दवा लिखा गया होगा, 44 तरह के हैं सर, तीन दो में अभी दवा है सर, और एक्सपायरी दवा सब कहाँ रखे हैं? एक्सपायरी सर उसमें उसमें जो कितना दिन से सर इधरे के है, वो पहले के जो दवा था ना सर, नहीं सर, डंपिंग का पहला प्रोसेस था लेकिन डंपिंग रोक दिया गया है, अभी क्या कर रहे हो? अभी हम लोग स्टोर किए हैं, डायरेक्शन मिलेगा उसके अनुसार करेंगे सर, ठीक है, क्या हम लोग
तो हम लोग स्क्रैप भी रखे हैं उसके लिए। सर को बोले सर डिस्पोज कैसे करते परमिशन नहीं ले रहा बात में नहीं करना। डेली एसोसिएशन का डालता है कि ये है हम लोग खाद्य बनाने, ये इरिटेट करते हैं। पटने में पटने में क्लिनिक नहीं जाते हम घर पटना पटना ही होगा। हेलो सर दो तीन बार किए ये अभी नहीं आपके पास एबीसी टॉवल फॉर ईच वे ये सब आ गया है। कहाँ स्टोर करते हैं आप? कुछ सप्लाई के लिए कुछ वहाँ पर ठीक। कौन नाम लिख लीजिए आप? नाम नाम लिखिए ना सर। नंबर है क्या? विनय कुमार का नंबर है। लगाइए लिख रहे हैं। चलिए ठीक है आपसे लिख रहे हैं बट कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है डॉक्टर का। एक दवा मिला क्यों? बाकी दवा लिस्ट में नहीं है क्या? कितना ड्रग है आपके पास? तो इस पूरे वीडियो का आपने देखा है तेजस्वी यादव कैसे घूम घूम कर औचक निरीक्षण कर रहे थे, हर कैसे के अस्पताल के हर कोने तक पहुंचे, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था वहां भी जाकर के देखा है और ये कहा है कि जल्द से जल्द इसे साफ कराया जाए। जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो लोगों तक वो सुविधा क्यों नहीं पहुंच रही जो मरीज वहां इलाज करने आ रहे हैं? तो ऐसे में तेजस्वी यादव आज नहीं कई दफ़े, देखिए आपने पटना में भी देखा होगा पीएमसीएच एनएमसीएच का देर रात वो औचक निरीक्षण करते हैं, और अब जब बगहा पहुंचे हैं तो बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल का क्या हाल है वो भी जानने पहुंचे हैं। जहां गड़बड़ी दिखी है वहां झाड़ भी लगाई है, कस के डांटा भी है, आपने सुना है, पूरे वीडियो को आपने देखा है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द पूरी व्यवस्था को ठीक की जा रही है। 60 दिनों का जो लक्ष्य दिया गया था उस 60 दिनों के भीतर बेहतर काम करता हुआ स्वास्थ्य विभाग आपको दिखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।